Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, my name is Micheal, welcome back to another gameplay video of GTA 5. So guys, in the last episode, you will see Micheal Hulk Pitbull vs Franklin Super Pitbull ki ek bahut zyada zabardast fight hui thi. Ab guys, result aap log jaake is video ko jaake khud check out kar sakte ho. Is video ko please video ko end tak dekhna. So finally guys, aaj jo hai bahut hi zyada khatarnak situation ho gayi hai, theek hai? Matlab guys, Lester ne ye bahut hi khufiya jo hai, matlab किसी भी मिलिट्री बेस को यानी किसी भी पुलिस ऑफिसर किसी को भी नहीं पता लग पाया, लेकिन गाइस लेस्टर को ये बात जो है पता लग चुकी है और जो ये बात है वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने देने वाली बात है। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मैंने अपनी जो है कार कल मॉडिफाइड करा ली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो भाई ये अभी कुछ नहीं है और फिलहाल दोस्तों मैंने अपने जो है मिलिट्री ड्रेस जो है मलिबू मेंशन पर रख दी थी, तो अभी जल्दी से ये वाली कार को मैं लेके जाने वाला हूँ मलिबू मेंशन पे, जो कि दोस्तों हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा बंगलो है एक तरह से मैं आप लोगों को बोलूँ तो, और सच में बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है। जो भी मेरे को चाहिए वो सब यहाँ पे मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों वो खतरनाक बात क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फिलहाल जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इस बंदे को सबसे पहले मेरे को मार देना है। ये बंदा बहुत बड़ा फ्रॉड है, बार बार मेरी हेल्प मांगने आ जाता है, वो लास्ट में गाइस जो है मुझे धोखा दे देता है। तो ये वो बात नहीं है, लेकिन गाइस मैं उसके बारे में बता रहा था, वो जो बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ मलिबू मेंशन पर। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो खतरनाक बात क्या है। गाइस बात ऐसी है कि एज अ मिलिट्री कर्नल मैं एक ट्रू मतलब बहुत ही ख़तरनाक मतलब लॉस सेंटोस का वासी हूँ और भाई मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करता हूँ इससे। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है माइकल को जो खबर मिली है वो ये है कि भाई यहाँ पर एक कोई भी गैंग जिस गैंग ने गाइस कल जिमी को पीटा था स्ट्रिप क्लब में और गाइस मेरी कार को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तोड़ दिया था, तो भाई वहाँ पर ये बात हुई है कि उसी गैंग ने वहाँ पर कार्गो प्लेन चा के खड़ा कर दिया है। अब गाइस जल्दी से मैं ड्रेस चेंज करके आप लोगों को मिलता हूँ। तो फाइनली मैंने ड्रेस वेयर कर दी है। अब कार्गो प्लेन में गाइस बहुत ही ख़तरनाक न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं जो कि गाइस किसी भी मिलिट्री बेस वाले को पता नहीं है। और फिलहाल दोस्तों अबे यार माइकल मैं जानता हूँ तू बहुत ज़्यादा बेताब है, आराम से चल भाई, बेइज्जती मत करा, अब तू भाई देश को बचाने जा रहा है। तो फिलहाल बात ऐसी है गाइस, अभी मैं यहाँ पर ट्रेवर को भी बात कर लेता हूँ और ट्रेवर को बोल के लॉकडाउन लगवा देता हूँ फिर से एक दिन के लिए। तो ओके गाइस फाइनली मेरी जो है ट्रेवर से बात हो चुकी है और ट्रेवर को मैंने सारी की सारी बात बता दी है कि भाई कार्गो प्लेन वहाँ पर किसी गैंग ने ला के खड़ा कर दिया है और वो मिलिट्री बेस को बहुत ही गंदी तरीके से तबाह करना चाहते हैं और पता नहीं गाइस ये कौन सी गैंग है, चुप से गाइस मुझे जो है परेशान करी जा रही है। और फिलहाल दोस्तों उन लोगों को पता लग गया है कि गैंगस्टर माइकल ही है वहाँ पर सबसे बड़ा मिलिट्री कर्नल, जिसके कारण हम लोग वहाँ पर जो है पूरा का पूरा मिलिट्री बेस जो है तबाह कर देंगे। तो जल्दी से मेरे को जाना है मिलिट्री बेस पर, उस कार्गो प्लेन पर बैठ के उसको दोस्तों जो है उड़ा के सीधा मेरे को जो है उसे ओशन में ब्लास्ट कर देना है, तभी दोस्तों हमारा जो है लॉस सेंटोस बच पाएगा। नहीं तो गाइस ये पूरा जो प्यारा सा लॉस सेंटोस आप लोगों को दिख रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों माइकल रोड से नहीं जाएगा, वो अपनी स्टाइल से जाएगा। जब वो गैंगस्टर था तो कैसे जाता था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखो गाइस सेम लैम्ट्री हम लोगों ने वैसी ले ली है, आधे से ज़्यादा टाइम हम लोगों ने बचा लिया है। अब ट्रू पैट्रियटिज्म एक तरह से भयंकर अपना रहा है और भाई सच में भाई माइकल को सैल्यूट है। आप लोगों का क्या कहना है गाइस, ऐसे भाई अगर हों बंदे तो देखो भाई इतना ज़्यादा बेताब है कि भाई उसने जो है छलांग लगा दी है, लेकिन ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक भी हो सकता था। चलो कोई बात नहीं, अच्छा सोल्जर है, जंप करके वहाँ पहुँच अच्छी तरीके से और भाई इसको लेके उड़ जाए यहाँ से, तभी तो है जिस देश को यानी कि पूरे लॉस सैंटोस को बचा पाएगा। और फिलहाल के लिए गाइज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये रहा वो कार्गो प्लेन। अब मार क्यों रहे हो तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ भी। अगर गाइज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और लेट होते तो भाई ये जो है ब्लास्ट हो जाता। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है गैंग वालों का पूरा प्लान जो है मैं डिस्टर्ब कर देना चाहता हूँ एक तरह से। और आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि भाई उन गैंग वालों ने अच्छी तरीके से मिलिट्री की ड्रेस पहन ली थी और जिसके कारण गाइज वहाँ पर उनको कोई भी रोका नहीं गया और यहाँ पर दोस्तों जो है कार्गो प्लेन लैंड हो चुका है और चेकिंग भी उन लोगों ने नहीं की। इतने ज़्यादा नेगलिजेंस के कारण गाइज ये जो है हादसा बहुत बड़ा जो है टलने वाला है। और फिलहाल दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो माइकल गाइज यहाँ पर जो है बहुत ज़रा दूर तो नहीं पर अच्छी खासी दूरी हम लोगों ने तय कर ली है
मुझे गाइस बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है जो हम लोग ओशन में इसको ब्लास्ट कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स, जिसके कारण गाइस अंदर का जो भी जितना है एक्वा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों इन गैंग वालों को ऐसा सोचना चाहिए कि भाई हम ऐसा क्यों करते हैं, और अगर ये ज़मीन पर फटता तो भाई बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती। अब समुद्र इतना ज़्यादा बड़ा है फिर भी दोस्तों ये काफ़ी बड़ा नुकसान करने वाला है मेरे ख्याल से। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो नीचे गिर रहा है। ओके गाइस, तो फाइनली ये ब्लास्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस, मैंने यहाँ पर जो है अपना पैराशूट भी खोल लिया है। इतनी दूर से गाइस आप लोग देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर इतना खतरनाक दिख रहा है, ये माहौल जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फाइनली गाइज आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हो, हम लोग सिटी के पास आ चुके हैं और ये जो है भाई सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट था। अब गाइज अगर मैं नीचे जाके देखूँ तो भाई यहाँ से मेरे को तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन अगर हम ऊपर से देखते हैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा ब्लास्ट अभी तक चलते जा रहा है, जितने न्यूक्लियर वेपन्स थे वो फट गए हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग बिल्कुल स्विम करके यहाँ तक आ चुके हैं। बहुत ही डेयरिंग बाज है भाई एक तरह से हमारा माइकल, मेरे को भाई सल्यूट है। और भाई सब बंदों को ऐसा होना चाहिए, मतलब अपने देश के प्रति ऐसे ही दोस्तों जो है रहना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ मैं बचाने की पड़ा हुआ, और ये देखो भाई यहाँ पर जो है बाइनोक्युलर से देख रहा है, इनको पता नहीं इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। सबसे पहले गाइज मैं जो है इनको यहाँ पर हटाना चाहता हूँ, एक एक गन मार के सबको दिखाता हूँ। ये देखो भाई यहाँ पर स्विमिंग चल रही है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, बच गए बेटा, अभी तो बचे नहीं जाते। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सब कोई जा रहे हैं। तो अब गाइज मुझे क्या करना है, फिलहाल के लिए यहाँ से कोई ना कोई कार लेनी है, और कार लेके डायरेक्ट जाना है मिलिट्री बेस पर अपनी कार दो वाली लेने के लिए। और उसके बाद गाइस मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ लेस्टर के पास। लेस्टर को दोस्तों मैंने एक काम बहुत अच्छे तरीके से दे रखा था, और लेस्टर को मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था कि भाई माइकल जो है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेगा। और गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोगों ने फाइनली वो सक्सेसफुल मिशन जो है कर दिया है। हैट्स ऑफ टू मिलिट्री कर्नल माइकल। तो अभी दोस्तों उसको मैंने ये भी बात बता दी थी कि भाई फार्मर को अपने घेरे में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस कुछ गैंगस्टर वाली आदतें हैं वो माइकल की गई नहीं है अभी तक, जैसे कि कार वगैरह चुरा लेना। अब वो ब्लास्ट अभी तक रुक ही नहीं रहा है गाइस, आप लोग देख पा रहे हो। अब कल इसको न्यूज़ में पक्का से पक्का आने को मिलेगा कि भाई किसने बचाया, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली हम लोगों ने गाइस काम किया है। तो फिलहाल जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ड्राइवर को मैंने बोला था गाइस यहाँ पर लॉकडाउन लग चुका है, एक भी कार यहाँ पर देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो जल्दी से ये वाली कार लेके मैं बुगाटी को अपनी ले लेता हूँ, और उसके बाद डायरेक्ट दोस्तों जो है कल की फाइट का हार का हम लोग बदला लेने वाले हैं फार्मर से। अब गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कल की फाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी, जिसके कारण गाइस हमारा जो हल्क पिटबुल था वो बहुत ही गंदी तरीके से हार गया था फ्रैंकलिन पिटबुल से। तो यहाँ पर गाइस मुझे करना क्या है, फार्मर को अच्छा खासा मज़ा चखाना है। भाई उसने $10 मिलियन मेरे लिए लिए थे और कहा था कि ये भाई सबसे ज़्यादा ट्रेंड और सबसे ज़्यादा मस्कुलर डॉग है और भाई इसको कोई भी नहीं हरा सकता। भाई फ्रैंकलिन के पिटबुल ने इतनी गंदी तरीके से भाई उसे मारा कि भाई वो उठा ही नहीं उसके बाद से। फिलहाल तो दोस्तों अभी मैं वेटनरी डॉक्टर के पास को लेके जा चुका हूँ, तो फिलहाल अभी उसके काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और गाइज अभी वो थोड़ा सा ना ICU कंडीशन में है एक तरह से, ठीक है। तो वेटनरी डॉक्टर ने बोला है रिपेयर तो हो जाएगा लेकिन ठीक हो जाएगा, और उसके बाद गाइज मैं उसकी जो है थोड़ी बहुत हेल्प करूँगा, लेकिन उसके बाद मैं गाइज जो है फिर उसे फार्मर को दे दूँगा। और फिलहाल दोस्तों अभी फार्मर को मज़ा चखाने के लिए ये शॉर्टकट हम लोगों ने ले लिया है। और गाइज इन जैसे बंदों को ना, जैसे मिलिट्री कर्नल माइकल है, कार तो भाई हमेशा आर्मर्ड ही देनी चाहिए, नहीं तो भाई ये देखो चकना चूर होने में ना देर नहीं लगती है। तो चलो गाइस अब विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं आप लोगों को डायरेक्ट लेस्टर के घर पर मिलता हूँ उसी की रोड पर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में भगा भगा के लेके आया हूँ। लगता है गाइस वो न्यूक्लियर ब्लास्ट होने से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बारिश हो गई है। वैसे दोस्तों न्यूक्लियर ब्लास्ट का बारिश से क्या लेना मुझे समझ में नहीं आया, पर ठीक है यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा माहौल जो है इंटेंस हो चुका है। और इसी माहौल में फार्मर के ऊपर हाथ गर्म करने का और ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा, ठीक है। मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अच्छा खासा बेसबॉल बैट निकालना है, और मोटे की थोड़ी बहुत ना चर्बी काफ़ी ज़्यादा निकल लगी है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे, अबे लेस्टर तो मुझे क्यों मार रहा है, लेस्टर ने गाइस इसको जो है कप से यहाँ पर जो दिया हुआ है। और आज गाइस लेस्टर जो है मुझे एक नया डॉग भी देने वाला है, जो कि गाइस मिलिट्री डॉग होने वाला है, ठीक है। और वो भाई उसको कोई नहीं हरा सकता, तो देखते हैं गाइस कौन सा डॉग हमें मिलने वाला है। तेरी ऐसी की तैसी साले निकल जाए यहाँ से। और ये भाई आप लोग देख पा रहे, चल बेटा निकल, बेटा लाते नहीं ना तेरी फोड़ फाड़ दूंगा मैं यहाँ पर। और भाई इसने हम लोगों को बहुत गंदा पागल बनाया। ये रहा गाइस वो डॉग, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वैसे दोस्तों कुछ दिखा तो नहीं मेरे को अच्छी तरीके से, क्यूट
बोल सकते हो, लेकिन गाइज है तो काफ़ी ज़्यादा मशीनरी टाइप मिलिट्री डॉग है भाई। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, फिलहाल मैं यहाँ पर इसको बहुत ही गंदा मार रहा हूँ। अब जैसे मैं आप लोग देख पा रहे हो, व्यू वाला जो डॉग है जो कि भाई बाहर है, और लास्ट थोड़ा सा बीच से हट जा भाई, इसको पीट लें, जिसने भाई बहुत ज़्यादा धोखा दिया है मेरे को। $10 million मेरे वापस कर दे और भाई अपना डॉग ले जा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस, वो रहा वो भाई मिलिट्री का डॉग। और यहाँ पर दोस्तों माइकल जो है फार्मर की अच्छी खासी धुलाई कर दी है यहाँ पर। ओके गाइस, तो कैसे ना कैसे करके भाई ये जो है अंदर आ चुका है, और यहाँ पर गाइस इसने जो है फाइनली अटैक कर दिया है हमारे फार्मर के ऊपर। ओके भाई, तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगा। अबे फ्रैंकलिन उसे नहीं मानना है यार, माइकल मैं क्या बताऊँ यार, उसको उसने मार दिया, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ओ तेरी, क्या ही यहाँ पर अटैक किया है गाइस, फार्मर को काट काट के लगता फाड़ देगा। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई, इसने जो है फार्मर को मार दिया है, जान से नहीं मारा है, मतलब अच्छी खासी डैमेज दे दी है। तो ठीक है, तो ये रहा गाइस हमारा न्यू डॉग। और अब मैं पर्सनली फाइनली यहाँ पर जो है फ्रैंकलिन को कॉल करूँगा, जिसके कारण गाइज हम लोग जो है ऑन द स्पॉट अब भी चैलेंज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइज एक बहुत ही गंदी फाइट होगी हमारे मिलिट्री डॉग वर्सेस फ्रैंकलिन पिटबुल की, ठीक है, तो वो देखना मत भूलना। और गाइज ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना। और भाई हम लोगों ने पूरे देश को बचाया, ये भी आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके बताना भाई, कि माइकल को यार सच में हैट्स ऑफ है, ठीक है। तो फाइनली गाइज आप लोग देख पा रहे हो, ये हमारा न्यू डॉग है जो कि एक मिलिट्री डॉग है, हालांकि आधे से ज़्यादा ये रोबोटिक्स है। तो देखेंगे गाइस कल हम लोग क्या कर पाते हैं, और जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं, और अगर फ्रैंकलिन हारा तो कौन सा डॉग लेके आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं गाइस, अभी फिलहाल आप लोग यहाँ पर मैं जल्दी से उसे जो है ऑर्डर दे देता हूँ कि भाई मैं बिल्कुल रेडी हूँ फाइट के लिए। ये रहा गाइस फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन को जल्दी से मैं कॉल करके बोल देता हूँ। तो ओके गाइस, चैलेंज उसने जो एक्सेप्ट कर लिया है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।